वालेकुम मेरे प्यारे फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती है बहुत खुश होंगे। आज आपको मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर सुनाई दे रहा होगा। तो जी हम यहाँ पे आए हुए हैं बिनिश की बर्थडे सेलिब्रेट करने। आज उसकी बर्थडे है, तो जी ये वीडियो अपलोड मतलब अगले नेक्स्ट डे पे होगी। तो चले कोई नहीं, यहाँ पे हम आपके साथ जो है बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और थोड़ा सा ये है अफोर्स क्लब में आए हैं, एयरफोर्स का ये क्लब है। और थोड़ा सा जो है मैं आपको इसके बारे में दिखाती जाऊंगी, और साथ में जो है खाना पीना और साथ में मज़े मज़े की चीज़ें बर्थडे से रिलेटेड, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, वीडियो जो है वो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। हो सकता है आपको मेरी जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच रही हो, क्योंकि पीछे जो है वो म्यूज़िक वगैरह और बातें जाते सब चल रही हैं। तो जी चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं कि आज हमने क्या क्या जो है वो एंजॉय किया। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूवर्स, हम लोग जो है अपने फ्रेंड्स के गेट टुगेदर के लिए निकल चुके हैं। सोचा रास्ते की थोड़ी सी वीडियो बना लूं, और वो वहाँ पे सारे जो है ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब इस तरह सबको सब इकट्ठे हों और कितनी देर बाद, तो कितना अच्छा लगता है। और एक दूसरे के साथ जो बातें और हमारी लाइफ के बारे में जो बातें एक दूसरे के साथ शेयर करके थोड़ा सा माइंड जो है वो ऑलरेडी जो है वो रिलैक्स हो जाता है। आप लोग भी जब गेट टुगेदर करते होंगे, आपस में शेयरिंग करते होंगे, तो कितना ज़्यादा जो है वो माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो ये हम तकरीबन जो है वो पहुँच गए हैं, और बहुत अच्छी सी जो है वो जगह है जहाँ पे हम जा रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वहाँ का जो है विज़िट ज़रूर करें, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपको रेफरेंस के साथ जो है वो जाना पड़ता है, क्योंकि एयरफोर्स का मामला है, तो वहाँ पे रेफरेंस ज़रूरी है। जिसको रेफरेंस मिल जाता है, खाना वहाँ पर बहुत ही मुनासिब रेट पे है, और उसके अलावा जो वहाँ पे बाकी चीज़ें हैं वो भी बहुत ही मुनासिब और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बच्चों के लिए अलग से इन्होंने छोटा सा प्ले लैंड बनाया है, जो कि मैं आप जाके आपको दिखाऊंगी। बस ये थोड़ा सा जो है ये रास्ता जो है वो रह गया है, और बस हम पहुँचने वाले हैं। थर्ड मार्च की वजह से यहाँ पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो है वो डेकोरेशन किया हुआ था साथ में, और यहाँ पे सोसाइटी को बहुत अच्छी तरह से जो है वो सजाया हुआ था। जी हम यहाँ पे जो है पहुँच चुके हैं, और हम जो है वो अंदर आ गए हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पे जो है आप आउटडोर जो है सिटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो आप सोच रहे होगे आउट डाइनिंग जो है अभी बंद है, बट एयरफोर्स के अपने रूल्स हैं, तो यहाँ पे जो है वो चल रहे हैं, बट SOPs को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम बाहर जो है वो बैठे हुए थे फैमिलीज के साथ। और यहाँ पे ये लोग भी मौजूद थे, और बच्चे वगैरह काफ़ी हद ज़्यादा जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। Yes, this moon. Riyan, yes. Yashal aa rahi hai. Yashal utar aao. Jo khelo abhi, jao play karo. Acha, isne bhi shopper banaya hua hai apna. Main uska shopper ghar chhod ke aayi. Mujhe nahi hamara nahi milega. Ek minute. Wait karo. ये छोटे छोटे बच्चों की जो है वो सेल्फियाँ बन रही हैं, और जी फोटोज बन रही हैं, और इनको इकट्ठा करना बच्चों को, आपको पता है एक जगह पे खड़ा करना, और वो भी अप्लास्टून बच्चों को तो कितने ज़्यादा मुश्किल होते हैं। बहुत ज़्यादा तंग आके इनको इकट्ठा किया, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, और जी थोड़ी सी जो है वो मैंने इसकी जो है फोटोज बनाई। आज जो है हम यहाँ पर बिनिश के ऑनर में एक डिनर रखा है, उसकी बर्थडे पार्टी भी है, तो उसके आज डिनर कैसा होता है वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है वो फूड ट्राई करने वाली हूँ, तो वी आर जस्ट गोइंग टू हैव फन। दूध गिर रहा है, तो बिनिश को हम लोग जाते हैं, इतने सालों के बाद हम लोग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सेम टाइम, तो आई होप कि बिनिश को अच्छा लगेगा।
ये अंधेरा हो गया था क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई थी, बट दो से तीन मिनट के बाद जो है आई थिंक जनरेटर के साथ जो है वो लाइट वापस आ गई थी। अच्छा अच्छा, ये जो है थोड़ा सा सोचा आपको अंदर का थोड़ा सा जो है विज़िट करा दूं। ये एक दूसरा आउटडोर है और ये इनकी बहुत ही कीमती कार है जिस पे बच्चे बैठने बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, वो भी फ्रंट सीट पे। और यहाँ पे हम जो है वो अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी इनका बहुत ही खूबसूरत जो है सेटअप है और खाने पीने का जो किचन वगैरह है और गेस्ट टुगेदर का और चाइना से रिलेटेड जो इनके गेस्ट आते हैं वो भी मैं आपको जो है वो आगे जाके दिखाती हूँ, क्योंकि उनका सेटिंग एरिया जो है इन्होंने वो आगे जाके बहुत ही खूबसूरत जो है वो बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सबको, आप सब व्यूवर्स जो सोनिया साली को फॉलो करते हैं और वो वाले व्यूवर्स जो नहीं भी करते हैं वो जल्दी से करते हैं क्योंकि हमारी बातें बड़ी मज़ेदार होती हैं। यहाँ पे जी हम लोग आए हुए हैं बड़े अच्छे क्लब में, जो हमारा हाल मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने जी मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बड़ी अच्छी जगह पर इन्वाइट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन एयर है, बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और एक बच्चा मेरे हाथ में सो भी रहा है। तो बस ये फैमिली गेट टुगेदर और ये सारा कुछ आपको पाकिस्तान में मिलेगा, वहाँ तो फिर आपकी लाइफ भागम भाग और जॉब और फिर बस ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे आप थोड़ा आए हैं तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना और अच्छे अच्छे फ्रेंड जो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करें यहाँ पे और वो वाले फ्रेंड जो टाइम निकाल के मेरे पास आए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स उनको है कि थोड़े से दिन रह गए हैं तो जितना भी टाइम है वो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के साथ आप इन्जॉय कर सकते हैं। अभी थोड़े से फ्रेंड्स मिसिंग है, वो आप देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, वो बहुत बड़े बड़े फ्रेंड्स हैं। तो लास्ट में आई रियली थैंक्स टू अमारा जिन्होंने इनवाइट किया यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही मज़े का खाना है, बहुत ही मज़े का सूप है, इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल फैमिली वाला माहौल है, बच्चे खेल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगी आप यहाँ पे जरूर आएँ फैमिली के साथ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बेस्ट ऑफ वर्क और इंशाल्लाह हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त। अच्छा जी, ये तो इनका जो है ये अंदर का एरिया है, थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर ली थी इनसे परमिशन लेके, और ये अयाना जो है कह रही है खाला पोस्ट, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली इसकी। अच्छा जी, ये जो है बहुत ही खूबसूरत जो है इनका सिटिंग एरिया है और साथ में जो है ये म्यूज़िक भी इनका साथ में चल रहा है एंटरटेनमेंट करने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इनका सिटिंग एरिया है और डे टाइम तो और भी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, ये इनका जो है जो अंदर का एरिया है उसका साइट वाली जगह है, तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लूं। और यहाँ पे मैं आपको जो चाइनीज़ बताया था कि चाइनीज़ से जो लोग आते हैं वो उन्होंने बिल्कुल चाइनीज़ सेटअप के साथ यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उनका छोटा सा मिनी रेस्टोरेंट जो है वो बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो जी ये अंदर का उनका जो है नज़ारा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इनका ये सेटिंग एरिया। अभी चल रही है, अच्छा ये वैसे भी बनाया भी आप लोगों ने, वही थीम हुई है चाइनीज थीम। ये जी जिसने लाइब्रेरी है, जिसने जो खामोशी चाहते हैं वो यहाँ पे आके सिटिंग कर सकते हैं। कम आ जाए ना, तो जी ये इनका लॉन्च है और यहाँ पे साथ ही इनके खाने पीने के सीन चल रहे हैं, खाना पकाना आप जैसे ही यहाँ पे बैठो और ऑर्डर वगैरह दो। और जी यहाँ पे बच्चों की गेमिंग चल रही है और बच्चों को एंटरटेन किया जा रहा है। ये एक ये रूम है बच्चों के लिए जो इन्होंने वहाँ पे बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त। और जी ये जो रूम है ये एरोबिक जो है उनके लिए बनाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी। और यहाँ पे अब हम जो है अपनी वापस जगह पे जा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, तो अब हम अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं। Oh,
तो जी ये हमने खाना ऑर्डर किया था थोड़ा बहुत, तो खाना जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो बहुत ही टेस्टी इनका खाने का टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। जा रहे हैं बच्चों के लिए प्लेलैंड की तरफ। यहाँ पे बस थोड़ा सा हमने देखा था कि केक के बाद हमने केक कटिंग करना था, तो ये थोड़ा सा देख के केक कटिंग के बाद जो है हमने नीचे यहाँ पे आके बच्चों को थोड़ा सा प्ले करा लिया था। तो हम जा रहे हैं केक कटिंग की तरफ और चाय के बाद पीने के बाद हमने थोड़ा सा बच्चों को प्ले कराया और उसके बाद हमने वापस जाने का सोचा। कॉरिडोर है ये, ऊपर से जो है कुछ बाहर इस तरह का नज़ारा है, तो सोचा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था तो शूट कर लूँ, तो इसलिए थोड़ा सा शूट कर लिया यहाँ से। चाय वगैरह पीने के बाद बच्चों को हम इस प्लेलैंड में ले आए और तकरीबन कोई आधा घंटा इनको यहाँ पे प्ले किया और उसके बाद हम लोगों ने वापस जो है वो जा रहे थे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था। जी ये थी आज की मेरी वीडियो जो आपके लिए शूट की बहुत टाइम बाद, क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था वीडियो एडिट करने का। तो जी लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि अब जो है और भी जो है डिफरेंट वीडियो के साथ मैं अपलोड करती रहूँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।